प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। चलो, आज अक्षर स्कूल से जिग्ना मैडम कौन सा विषय कराएगी? हिंदी विषय। हिंदी विषय में हम करेंगे आज श से शलजम और श से फाड़ियो श। अब श के बाद फाड़ियो श। श से षटकोण, श से षटकोण। ओके, चलो अभी पहले हम करेंगे श से सलजम। स से सलजम। ओके, पहले कैसे करना है? पहले क्या करना है? दिनांक लिखनी है। तो दिनांक में आज कौन सा दिनांक है, यानी तारीख कौन सी है? दूसरी तारीख, तीसरा महीना और 21वीं साल और ट्यूसडे यानी मंगलवार। वो अपने आप आपको लिखना आता है, तो आपको अपने आप ही लिखना है। ओके, चलो हम करेंगे अभी स से सलजम। तो ऐसे कैसे करना है? वर्ण लिखा है, यहाँ से हम ऐसे सर्कल बनाते हुए, ऐसे ज़ीरो बनाते हुए नीचे जाएंगे, वापस ज़ीरो बनाते हुए ऐसे स्लांट लाइन यानी ऐसे क्रॉस वाली लाइन, आड़ी लाइन ऐसे बोलते हैं ना हम, ऐसे करके यहाँ स्टैंडिंग लाइन बनानी है यानी खड़ी हुई लाइन करनी है, और यहाँ सोई हुई लाइन यानी स्लीपिंग लाइन करनी है। ओके, एक किया हमने स से सलजम, स से सलजम। अभी देखो, ये हमें एक्टिविटी में भी यहाँ इतना लिख के दिया है, यहाँ खड़ी हुई लाइन करनी है और सोई हुई लाइन, तो ये कंप्लीट हो गया स से सलजम। यहाँ ओनली जोड़ना ही है। ओके, सोई हुई लाइन करके। चलो अभी कैसे करना है? एक छोटा सा जीरो बना के ऐसे उल्टा कव करके, सी टाइप उल्टा कव, उल्टा सी टाइप कव, और ऐसे वापस जीरो बनाते हुए ऐसे स्लांट गए, और ऐसे खड़ी हुई लाइन की और स्लीपिंग लाइन, ये हो गया हमारा स से सलजम। स से सलजम, स से सलजम, स से सलजम। कितना इजी है ना? स से सलजम, स से सलजम, स से सलजम। ये आपने ट्रेसिंग कर लिया, बाद में आपको करना है यहाँ पूरा पेज ट्रेसिंग करो पहले, बाद में आप करो, अपने आप लिखना है यहाँ स से सलजम। कैसे लिखोगे? देखो, यहाँ से हमें एक ज़ीरो बनाते हुए ऐसे करना है, और दूसरी लाइन तक ऐसे उल्टा सी टाइप कर्व किया हमने, वहाँ से ऐसे नीचे गए स्लांट लाइन करते हुए, और एक खड़ी लाइन और एक सोई हुई लाइन, स से सलजम, स से सलजम, स से सलजम। ओके, ऐसे करना है स से सलजम, स से सलजम, ऐसे पूरा एक स से सलजम बोलते बोलते ये पूरा पेज कंप्लीट करो। स से सलजम, स से सलजम, ये पूरा किया। ओके, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। बाद में श से षटकोण, श से षटकोण, उसमें भी आपको दिनांक लिखना है पहले, बाद में यहाँ देखो ऐसे वन लिखा है यानी यू टाइप कर्व किया, ऊपर जाते हुए वापस नीचे आके ऐसे, बाद में ही हमें पेंसिल लेनी है, बाद में थ्री लिखा है वहाँ से ऐसे उसको काट देना है बीच में से यानी स्लांट लाइन करनी है, उसको यहाँ से ऊपर से जोड़ना है। स से षटकोण, स से षटकोण। देखो इसमें इतना दिया था, बाद में यू जैसा बनाया, बीच में से ऐसे फाड़ियो यानी फाड़ियो एटले इसको तोड़ देना है यानी बीच में से कट करना है। स से षटकोण, स से षटकोण। ओके, ये हमने किया, बाद में वापस हम करेंगे ट्रेसिंग। तो कैसे करना है? यहाँ ऐसे यू किया, वापस नीचे आए, बाद में पेंसिल लेनी है, बीच में ऐसे कट करना है और ऊपर जोड़ना है। स से षटकोण, स से षटकोण, स से षटकोण, स से षटकोण, स से षटकोण। क्या बोलोगे आप? श, श से षटकोण, श से षटकोण। ओके, ऐसे ही आप पहले ट्रेसिंग करो पूरा पेज, बाद में आप लिखो अपने आप, ये भी जरूरी है, लिखना ही है। ओके, चलो यहाँ पहली लाइन से हम
अभी किया दूसरी लाइन तक ऐसे गए, थोड़ा नीचे जाके ऐसे अब गए, यू टाइप किया और स्टैंडिंग लाइन की। बाद में पेंसिल लेनी है, ऐसे कट करना है, यहाँ तक बीच में ऐसे करना है, उसको ऊपर से जोड़ देना है, स से षटकोण। इजी है ना, बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है ना हिंदी विषय। तो स से षटकोण, स से षटकोण, स से षटकोण, स से षटकोण। क्या बोल के लिखोगे? स स स से षटकोण, स से षटकोण। ऐसे ही आपको दो, आप सबको दोनों पेज कंप्लीट करके मुझे भेजना है अच्छे से लिख के। ओके बच्चा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।